أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو قال تعالى في مقام آخر أن يعبدوني هذا صراط مستقيم وقال تعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم पूरी मोहब्बत के साथ, शौक के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ी। औरतों की आवाज आए मालूम हुआ काफ़ी देर से कसीर तदाद में मस्तूरात जमा और मदरसे हाजा के तालिबात का प्रोग्राम सुन भी रही हैं और देख भी रही हैं। काफ़ी वक्त हो चुका है दो बज रहे हैं प्रोग्राम की तरतीब से पता चल रहा है कि अभी तक गालिबन औरतें नमाज भी नहीं पढ़ी नमाज भी पढ़ना है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह खाने का भी इंतज़ाम है खाना भी खाना है इतने अहम अहम दो काम हमारे सामने रह कर लंबी चौड़ी तकरीर करने का मेरे पास मौका नहीं है कब तक बयान करूंगा ये मुझे भी पता नहीं अलबत्ता इतना कहता हूँ मेरी माँ और बहनों से अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नमाज पढ़ लिया खाना अभी खाया नहीं जब मुझे भूख लगेगी इंशाअल्लाह ताला बयान ख़त्म कर दूंगा अब पर्दे में औरतें क्या करेंगी मालूम दुआ करेंगी अल्लाह जल्दी से जल्दी मुजम्मिल साहब मौलाना को भूख अता फरमा कोई ज़रूरी नहीं कि वक्त लंबा हो क्या वक्त लंबा होना कोई ज़रूरी नहीं ज़रूरी दो चीज़ें कितनी चीज़ें बोलो दो चीज कुछ मर्द हजरात मेरे सामने बैठे हैं वो मेरे हौसले हिम्मत के लिए बैठे हैं
वरना कौन भी सामने नहीं रहे तो बात करने मजा आती है। और जो हजरात बैठे ही अगर उलगा भी सो गए तो मैं क्या करूं। जरूरी लंबा वक्त होना नहीं, जरूरी कितनी चीजें, दो चीजें। एक, हमारे वक्त में बरकत होना। क्या होना? वक्त में बरकत होना। दूसरा, मुख्तसर बात हो लेकिन अमल हो। बोलो समझ में आई आप लोगों को बात? मैं डायरेक्ट औरतों से पूछ नहीं सकता, पर्दा होना जरूरी है ना। कितना बड़ा आलिम, कितना बड़ा पक्का हाफिज और कितना बड़ा वली रहा, तभी पर्दा पर्दा चना। बहुत बड़े अल्लाह वाले भी इन्हू ये समझ कर अगर कोई अल्लाह वाला औरत के सामने जाता है या औरत उस अल्लाह वाले के सामने जाती है तो समझ जाओ कि इन्हें अल्लाह वाला नहीं शैतान वाला। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज जैसे फ़र्ज हैं, बिल्कुल इसी तरीके से शर्म, पर्दा, हया भी फ़र्ज है। आजकल की औरतें कहती हैं कि हमारा दिल बड़ा साफ है। कौन नहीं? आजकल की औरतें और बाज मर्द कहते हैं कि हमारा दिल साफ है। मैं उनसे पूछता, वॉशिंग मशीन में एरियल में डाल कर धोए क्या? इस जमाने में दिल का साफ रहना बहुत मुश्किल है। जो कहता है या कहती है मेरा दिल साफ है, समझ जाओ कि उसी का दिल गंदा है। आई बात समझ में? सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से ज्यादा दिल किसका साफ था? अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा दिल किसका साफ था? हजरत उमर से ज्यादा दिल किसका साफ था? हजरत उस्मान गनी से ज्यादा दिल किसका साफ था? उस्मान गनी का दिल तो इतना साफ था कि उनकी हया से फरिश्ते हया करते थे। एक मरतबा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के वाकये में आता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में अपने घर में बैठे थे। दरवाजा खिचखिटाने की आवाज आई। अक्कलकोट की औरतें मेरी उर्दू समझते क्या? भाई तुम्हारे घर के भी आए रहेंगे ना। प्योर उर्दू लखनऊ की बोलना क्या बोलो? समझते प्योर उर्दू लखनऊ की बोलिया तो मैं बोलने को चलूंगा उनको खाना खा ले करेंगे। हमारी सब मोटी ताजी उर्दू है। ये उर्दू में इंशाल्लाह ताला बात कर तुम खुदा से दुआ करो कि अल्लाह अच्छी बातें अता फरमा दे, अमल वाली बातें अता फरमा दे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाली मुकदमा पेश कर रहा हूँ, दो तीन बातें मेरी माँ और बहनों की खिदमत में अमल की रखना चाहता हूँ। जो माएँ और बहनें सोई हुई हैं उनको जगाना चाहता हूँ, जो गाफिल है उनको बेदार करना चाहता हूँ। मुकदमे में मेरी माएँ गौर से सुन लें। 3:30-4 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह जोहर का वक्त रहता है। आज ज़रा आखिर में देर से नमाज पढ़को, इत्मीनान से मगरिब तक खाना खाएंगे। असर कौन हमारी कुप्पी पढ़ना। ऐसे मौके कभी कभी आते हैं, बार बार नहीं आते।
क्या कह रहा था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बैठे थे, ज़रा टेक लगाकर और घुटनों को उठाकर बैठे थे, ऐसे ऐसे बैठे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग देख रहे हैं, तुम्हारे घर में पूछे तो कैसा बोले तो बेड को दिखाओ। दरवाजा खिटखिटाने की आवाज आई, इधर देखो मौली साहब, इधर देखो नहीं तो आप भी जाओ। दरवाजा खिटखिटाने की आवाज आई। उस जमाने में दरवाजा टक टक बोलकर खिटखिटाते थे, उसे अगल बोलते थे। यहाँ क्या बोलते? अगले, अगले। माशाल्लाह, तुम्हें जवाब दिए तो मैं खुश होगा, तुम्हें जगले को ही बोल दो। ऐसे बोलना, हम ना भी जज्बा खेले को रहता आदमी, एक सिक्स मारते ही थाने मारे तो और एक सिक्स मारता नहीं। पहला सिक्स उन्हें अपनी ताकत से मारे सो, दूसरा सिक्स दूसरों की तारीफ पर मारे सो। सिक्स फोर विकेट अक्कलकोट की औरत को मालूम क्या? अरे मर्दों से ज्यादा मालूम। घर के अंदर बहसा करते मंजे, विराट कोहली बहुत पसंद, फिर यहाँ कहीं कुशादी करी। हराम है ये जुमला, अपने बाप के अलावा, अपने भाई के अलावा, अपने शौहर के अलावा, अपने बच्चों के अलावा, अपने वो खानदान के हजरात जिनसे शादी करना हराम है, उनके अलावा किसी और का नाम तक तुम्हारे जुबान में आना इस जमाने में खतरा है। हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुने हैं कभी? अभी करीब में हकीमुल उम्मत, उलमाए देवबंद में से बहुत बड़े फकीह। मेरी माए, इन बुजुर्गों का नाम याद रखो। क्या हजरत? अभी बोले ना गैर का नाम रखना नहीं, बता तो सुनो कैसे हैसियत से रखना। हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही बड़े पीर थे। क्या वो ऐसा मालूम हो रहा है ये पर्दे में बैठे से औरत अक्कलकोट की नहीं, यूपी की ही दिखता है। सुकून से नहीं बैठ रही। तुम लगा सुनो, हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग, आलिम, हाफिज, मुफ्ती, फकीह, मुफस्सिर, मुहद्दिस, उलमाए देवबंद में से बैत भी देते थे, वो पीरे वक्त भी थे, सिलसिले खादरिया के बहुत बड़े पीर थे हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। मर्दों को हाथ से हाथ मिलाकर बैत देते थे, औरतों को जुबान से बैत देते थे। यही तरीका औरतों को बैत देने का। आज कुछ चोरा है, प्याले पिलाकर बैत देते हैं। क्या ही ऐसे आदमियां? अल्लाह का करम एहसान है, लेकिन है दुनिया में। और अजीब बात है, ऐसे डुप्लीकेट पर यकीन मर्दों से ज्यादा औरतों को, डुप्लीकेट पीरा यकीन औरतों को, डुप्लीकेट आमिला यकीन औरतों को। सबसे ज्यादा अस्पताल में मर्द बने, आमिला के दुकाना में औरत। आपा तावीज गिवीज की जरूरत नहीं, तेरा ईमान तावीज, तेरी नमाज तावीज, तेरे अखलाक तावीज, तेरी हया तावीज, तेरा जिक्र तावीज, तेरा अदब तावीज, तेरी तहजीब तावीज। चंद दिन मुश्किलात आते हैं, उसके बाद तेरे अखलाक का असर ऐसे पैदा होगा कि तेरे घर के दुश्मन भी तेरे दोस्त बन जाएंगे।
रब्बे काबा की कसम, जिन लोगों ने इन बातों पर अमल किया उन लोगों को उनका नतीजा निगाहों के सामने आया। जो औरतें जो बच्चियां बेनमाजी घरों के अंदर जाकर नमाज पढ़े, चंद दिन तक उनको छेड़े घर वाले, चंद दिन तक उनकी नमाज को छेड़े, चंद दिन तक उनके नमाज के नतीजे को छेड़े। औरतें, बड़ी औरतें, कुछ औरतें नमाजी बच्चियों को देखकर ये कहने लगे, क्या बड़ा नमाज पढ़ रही, क्या मिला तुमने नमाज से, तुम्हारे शौहर की परेशानी वैसी की वैसी। बच्चियां सुनती थी अल्लाह की नेक बंदियां, राबिया की रूहानी बच्चियां, आयशा की रूहानी बच्चियां, हफ्सा की रूहानी बच्चियां, इन तानों को सुनकर सबर करती थी, नमाज पढ़ती थी, पाबंदी से नमाज पढ़ती थी, दुआ करती थी, अल्लाह ताला के दरबार में कहती कि अल्लाह नमाज का नतीजा खबर में नहीं, नमाज का नतीजा हशर ही में नहीं, मेरे घर के अंदर दिखा, अगर मेरे शौहर का व्यापार नहीं सुधरा तो लोग मेरे नमाज को ताना दें। मेरे पास ताजा वाकियात का खजाना है। एक बच्ची का फोन आया, सुन रही की औरत सो रही की मालूम नहीं, मैं भी बड़े भरोसे में बयान करने को जा रहा हूं, कब तभी सुस्त हूं गलाटा करे तो सही की तो कम से कम हई बोल कर तो मालूम होता, खामोश तो उनको रहना आता नहीं। मोनी साहब हमारी सब करामतें हवा में उड़ना, पानी में नमाज पढ़ना, औरत की करामत क्या मालूम, 10 मिनट को सिद्धि की औरत खामोश बैठी तो समझ जाना ये अक्कल कोट की राबिया बजरी। क्या आदि साहब सुनो, मेरी माए सुनो, आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर, अल्लाह ने बड़ी मोहब्बत के साथ तुम्हें पैदा किया, अपनी रहमत और नेमत की शक्ल देकर पैदा किया, तुम्हारे से अल्लाह तबारक व ताला बड़े बड़े काम लिए, अंबिया को तुम्हारे पेट से पैदा किया अल्लाह ताला, ये सआदत किसी मर्द को नहीं, थोड़ी देर के लिए सोच, सहाबा को तेरे पेट से पैदा किए, फुकाहा मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन तेरे पेट से पैदा हुए, मुजाहिदीन शुहदा तेरे पेट से पैदा हुए, सलाहुद्दीन अय्यूबी मोहम्मद बिन कासिम टीपू सुल्तान जैसे 72 तेरे पेट से पैदा हुए, अपने बंदों के बचपन के रोजी का इंतजाम खुदा ने तुझसे लिया, तेरी छाती में दूध अता किया, अपने बंदे की रोजी का इंतजाम किया, तेरे दिल में अल्लाह ताला ने अपनी खास मोहब्बत का हिस्सा अता फरमाया, इसीलिए माँ की ममता को अल्लाह की मोहब्बत के साथ जोड़ा जाता है। सारी दुनिया में अल्लाह की रहमत नजर आती है तो अंबिया के बाद, मेरे रब की कसम, खुदा की कसम, गौर से सुनो मेरी माए, तुम अपने आप को पहचानो, आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखो, आईने के सामने खड़े होकर तुम सिर्फ चेहरे न देखो, आईने के सामने खड़े होकर तुम सिर्फ अपने कपड़े न देखो, अपनी अदाएं न देखो, अपने गालो खाल न देखो, आईने के सामने तुम अपने आप को देखो। अल्लाह की रहमत, अजहर साहब इस लफ्ज पर तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह की रहमत अंबिया के बाद खुदा की कसम अगर जमीन में किसी के अंदर नजर आती है तो वो एक मां की शक्ल में नजर आती है। और सुनो मेरी मेरी बात और सुनो, कौन इन सर झुका लगे बैठे, सुन रही सो रही मंजे देखो ना कितना गोरा हूं।
अंबिया के बाद अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज्यादा किस में नजर आती है? अंबिया में नजर आती है। नबियों की मोहब्बत से ज्यादा दुनिया में किसी रिश्ते की मोहब्बत नहीं। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते थे मालूम? खसम अल्लाह की हदीस में आता है, रोजाना अपनी उम्मत के लिए 70 से ज्यादा मर्तबा दुआ करते थे। बात लंबी हो रही है नहीं? एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत थानवी का और उससे पहले हजरत उस्मान गनी का वाकिया जहन में रखो। मेरी तकरीर है ना 35-36 बाद में खुलती 100। ये तीसरा वाकिया शुरू किया हूँ। एक मर्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात देर गए घर गए, बहुत देर के बाद घर को गए। वैसे तो पैगंबर की आदत नहीं थी देर से घर को जाना, आज हमारे कौम के नस्लों की आदत है, बच्चों की आदत है, देर से घर जाते हैं। काम कर को तो भी घर को गए तो फरिश्ते सलाम करेंगे, झक मार कर घर को जाते हैं। मैं उसे बेटा ही नहीं मानता जिसका वक्त रास्ते में गुजरता है माँ के पास नहीं गुजरता। मैं उसे भाई मानता नहीं जो देर जाकर बहन को तकलीफ देता है। वो बीवी की शक्ल में दुश्मन है जो देर से जाता है। अरे बाहर दोस्तों के पास वक्त गुजारने के बजाय बीवी के पास वक्त गुजारो, खुदा की कसम मोहब्बत में इजाफा होगा। बूढ़ी औरतें भी रहेंगी ना अक्कलकोट में? अक्कलकोट में कौन भी बूढ़े होते नहीं क्या? नहीं होते क्या तो बोलो, बिन्नूर छोड़ को यहाँ आ जाओ। बुड्ढे हुए तो भी दिखाते नहीं, दिखते नहीं नहीं क्या नहीं दिखाए तो भी दिखता बुढ़ापन, समझ में? बाला को पेंट मार ले तो क्या जवान हो जाते? हाथा में मेहंदी लगा ले तो जवान हो जाते? 40-45 साल 50 साल की आपा रहती, बनारस की साड़ी पहनते कि नहीं कि खुश हो जाती, 15 साल डाउन। मेरे रब की कसम उम्र को कोई पीछे कर नहीं सकता। नहीं, गुजर गया तो गुजर गया, वक्त हो गया उत्तर। अल्लाह के रसूल की आदत नहीं थी देर से घर जाने की। मेरी बूढ़ी माएं जो बैठी हुई है वो अपने बच्चों को नसीहत करे कि देख पा जल्दी घर को आना। शादी हुई तो फिर नसीहत करे जल्दी आना कमरे को जाना। शादी हो चुकी औरतें वो भी अपने शौहर को बोलना क्या भी नको जी तुम्हें रात को जल्दी आ गए तो बस हालत खराब ही, मोहब्बत पेश कर को जल्दी बुलाओ, खानून डालकर बुला लो, आ जाना 8 बजे सुबह। मुसम्मी साहब बोले तुम्हें अंदर रहते ही सो मैं बाहर रहता हूँ सो। मुसम्मी साहब बोले 9 बजे सब आ जाना को बोल कर तुम्हें बोले तो मुसम्मी साहब को दलालता। मोहब्बत से बोलना तुम्हें सुबह को जाती हूँ शाम तक आती जी, दिल तड़पता तुम ना देखना 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 देखना। वो घुग्गू भी बोलता व्हाट्सएप पे देख ले। देखो तस्वीर अलग चीज़ होती है, हकीकत अलग चीज़ होती है। व्हाट्सएप में मुरली देखे तो पेट भरता नहीं, दस्तरखान में आई तो व्हाट्सएप में बिरयानी देखे तो मज़ा मिलता नहीं डायरेक्ट। बहिर वाला रखना मौली साहब, नहीं नहीं बटर चाहिए।
इंतजाम अच्छे करना। देखे 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 बराबर देखे भाई का तजुर्बा मुझे बहुत ज्यादा है। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। क्या कह रहा था? मोहब्बत से व्हाट्सएप में बिरयानी देखे तो पेट भरता नहीं, मोहब्बत से बोलना, आ जाओ जी जल्दी, हालात बताकर बोलना, हालात बराबर नहीं, दुश्मना भी फिर रही, कोरोना भी फिर रहा, दुश्मना भी फिर रही, मोहब्बत से। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को देर से जब घर को गए तो दरवाजा खिटखिटाए, कट 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 कट, एक किचक मार में टक बोलते कि निकी दरवाजा खोलती है अम्मा आयशा। आज मोबाइल देख लो कोई नहीं, ऐसा बैठे रहती दरवाजा मारे तो नहीं, दरवाजा तोड़े तो भी सुनाई नहीं देता। मोबाइल में उल्टा करता है ना। बाज औरतें तो ऐसी हैं जानबूझकर शौहरों को सताने के लिए देर से दरवाजा खोलते हैं, दरवाजे की आवाज सुनकर अगर देर जानबूझकर करती है। एक बुजुर्ग ने अपने किताब में फरमाया, दरवाजा खोलने से पहले मौत आ गई तो जहन्नमी है। के शौहर की नाफरमानी की हालत में मौत जिस औरत की होती है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघती। शौहरों की, मेरा उन्वान नहीं है ये, मैं एक बीच में आज बात अर्ज कर देता हूँ, आज हमारे घरों में बरकत तेज को नहीं मालूम क्या बोले साहब। शौहर बीवी से मोहब्बत नहीं करता आदि नहुसत, बीवी शौहर की खिदमत नहीं करती पूरी नहुसत। अभी किताब में पढ़ रहा था मैं, जो औरत शौहर के बोले बगैर उसके पांव दबाती है अल्लाह ताला 70 साल की इबादत का सवाब देता है। तुम्हारी फजीलत ऐसे ही आपा, मैं कब भी पढ़िया तो सोच तू अल्लाह अल्लाह, मैं भी औरत रहता तो कितना अच्छा रहता। सही तौर पर शादी होकर महीना दो महीने पांच महीने छह महीने तक उसकी, और एक वजह बताता हूं, बीच की बात है ये आ गई, शादी करते वक्त बच्चों की तरबियत नहीं करते। डायरेक्ट माँ बाप करते हुए अगर इस जमाने में शर्माते हैं तो फिर खाला को रखकर, मामू को रखकर, किसी और को रखकर तो कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते। गर्ज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा खिटखिटाते हैं, एक ही चक मार में अम्मा आयशा दरवाजा खोलती है, अल्लाह के रसूल सलाम करते हुए दाखिल होते हैं, पैगंबर कभी दाखिल कर होते हुए सलाम नहीं छोड़े। आज मेरी माए हुजूर को सलाम से इतनी मोहब्बत थी, पहली नजर पर हुजूर उम्मत को सलाम करते थे। आज औरतों के पास सलाम नहीं है, मोरी सलाम कमरे से उठ को आती पहाड़ की तरह सास बैठे रहती, सलाम वालेकुम अम्मी नहीं करती, करी तो क्या दाता गिर जाते। सलाम करे बगैर एक लारी नारल भी उतारेगी, सास के दिल में मोहब्बत नहीं आएगी।
खुद कमरे में मियां बीवी सो रहे हैं, शौहर पहले उठ गया, बीवी को उठाकर फौरन सलाम करे। अगर बीवी पहले उठ गई, शौहर को उठो जी, ऑफिस का वक्त होगा, आंख खुलते ही फौरन सलाम करना। ऑफिस को ना उठाती सो आज, नमाज को उठाती क्या आपा? 9 बजे ऑफिस, 8 बजे उठो, उठो जी, उठो जी, उठो, मरो जी, ऑफिस को जाने का डर है, मस्जिद को जाने का डर नहीं। आज यहाँ जितने मुख्तसर 15-20-25 बैठे हुए हैं, बड़े हजरात भी बैठे हुए हैं, जुबैर भाई बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ हमारे अक्कल कोट की फजर की नमाज का हाल क्या है? ये एक सब नहीं भरती, इसकी वजह क्या मालूम? घर की औरतों में नमाज का शौक नहीं। हमें भी सफर को जाकर थको आको सो गए तो हमारी नींद, ये तो मर्द बने की जो नींद होती नहीं, अंबोजा सीमेंट, हमारी भी आंख लग जाती, लेकिन उठाते कौन? हमारे घर की औरतें। मेरी माँ जितनी बैठी हुई हैं, अगर तुम आज इरादा कर लें इंशाल्लाह हमारे घर के मर्दों को उठाकर हमें फजर को भेजेंगे, तो फजर का मंजर अक्कल कोट का जुमे के मंजर की बराबर होगा। उठाओ फजर की नमाज को, उठाओ। जिन घरों में फजर में हुजूर की उम्मत सोती है, उन घरों के दरवाजे तक पहुंचकर फरिश्ते उन घर की बेबरकती की दुआ करके जाते हैं। अल्लाह तेरी नमाज को इन्होंने जैसे जाया किया, इनके घर के रिस्क की बरकत को खत्म कर दे। ये मौलाना बद्दुआ करे तो डरते, यतीम बद्दुआ करे तो डरते, फरिश्ते जिनसे गुनाह ही नहीं हुआ उनकी दुआ भी रद्द नहीं होती, उनकी बद्दुआ भी रद्द नहीं होती। उठाओ, तुम्हें भी उठो। जिन दिनों में तुम्हें नमाज नहीं, उन दिनों में भी नमाज के वक्त में उठो, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया, जिस औरत पर महीने में नमाज माफ हो जाती है, उन दिनों में अगर वो नमाज के वक्त मुसल्ला बिछा कर बैठ कर इस्तग़फार करती है, तो अल्लाह ताला एक वक्त की नमाज के बदले 70 वक्त की नमाज का सवाब देते हैं। मन ये नमाज नहीं, मन ये नमाज नहीं, बोल को पुरानी